कई दिन से कोरोना के केस सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन मंगलवार को एक झटके में मामले बढ़ गए। यहां पर सूरजपुर में रैपिड टेस्ट जांच में 9 लोगों में कोरोना संक्रमण मिला है, इसमें एक पुलिस कांस्टेबल भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक सभी लोग प्रतापपुर क्वारंटीन सेंटर में रखे गए झारखंड के एक श्रमिक के संपर्क में आए थे। ऐसे श्रमिक की रिपोर्ट सुबह ही पॉजिटिव आई थी। इसके साथ ही एक और अन्य केस भी सूरजपुर में मिला है, साथ ही पथलगांव में भी एक शख्स में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस तरह अब तक 11 नए मामले सामने आने के बाद प्रदेश में कोरोना के कुल केस 48 हो गए हैं। इसमें से 14 एक्टिव केस हैं, जबकि 34 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। प्रदेश में नए केस सामने आने के बाद प्रदेश सरकार के साथ ही सभी जिलों में प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। तो अब तक छत्तीसगढ़ में 48 कोरोना केस सामने आ चुके हैं, 34 मरीज हालांकि ठीक हो गए हैं, 14 अभी एक्टिव केस बचे हैं। हेमंत शर्मा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेमंत, लग रहा था कि अब छत्तीसगढ़ से कोरोना जाने वाला है, छत्तीसगढ़ को निजात मिलता दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक से जो 9 मामले सामने आए उन्होंने शासन प्रशासन के लिए, छत्तीसगढ़ सरकार के लिए चिंता और बढ़ा दी है। निश्चित तौर पर शिवम, आपने सही कहा, चिंता अब छत्तीसगढ़ के लिए बढ़ चुकी है, क्योंकि अभी तक जो कोरोना के अगर मामले देखे जाए छत्तीसगढ़ में तो उतना ज्यादा नहीं था। ज्यादातर जो मरीज हैं वो ठीक होकर अपने घर चले भी गए थे, लेकिन अचानक कल सूरजपुर में पहले एक केस आया जो झारखंड गढ़वा का मजदूर था, जो वहां पर सूरजपुर काम करने आया था, उसे आश्रय स्थल में रखा गया था और उसकी सैंपल भेजी गई थी। उसके बाद उसका जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आया और उसके बाद जो उसी के संपर्क में आने वाले अन्य मजदूर हैं वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि रैपिड टेस्ट से उनकी जांच हुई है और सभी को रायपुर एम्स अभी ले आया गया है और सभी के एक बार फिर यहाँ पर कोरोना जो टेस्ट है वो यहाँ पर किया जा रहा है। सभी का सैंपल लेके जो कोविड-19 टेस्ट है उसके माध्यम से टेस्ट कराया जाएगा, क्योंकि रैपिड टेस्ट को लेकर कई सारे सवाल उठे थे, न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि राजस्थान में जिस तरीके से रैपिड टेस्ट को नकार दिया गया था, तो इसके बाद से असमंजस की स्थिति है, इसलिए उनका इस बार फिर टेस्ट कराया जा रहा है। लेकिन जो 10 जो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं उसमें से एक पुलिसकर्मी भी है, जहां पर मजदूरों को रखा गया था वहीं पर उस पुलिसकर्मी की ड्यूटी थी और वो भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि जो वहां का जिला प्रशासन है सूरजपुर का, वो पूरी वहां पर तैनाती रखे हुए है और जो जो मजदूरों से संपर्क जिनका जिनका हुआ है उस सभी को वहां पर शिनाख्ती उनकी की जा रही है, क्वारंटाइन के लिए दिशा निर्देश दिया जा रहा है। तो अभी फिलहाल जिस तरीके से छत्तीसगढ़ शांत दिखता नजर आ रहा था, अब अचानक से छत्तीसगढ़ में भी कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ गए हैं। कि 9 लोग, हेमंत बता रहे हैं सूरजपुर से नए संक्रमित, नए लोग 9 लोग सामने आए हैं, ये लोग अब तक कहाँ रह रहे थे और जिनके संपर्क में थे 9 लोग, ये 9 लोग अन्य के भी संपर्क में होंगे, इनके घर वाले, इनके साथ जो रहने वाले, तो इनकी भी जांच हुई है क्या? अगर इनकी जांच हुई है तो उनकी रिपोर्ट कब तक आएगी? देखिए, सबसे पहले कल शाम एक कोरोना पॉजिटिव वहां पर आया था सूरजपुर में, वो झारखंड का रहने वाला है और सूरजपुर मजदूरी करने आया था। लॉकडाउन जब से लगा है वो यहीं पर फंसा हुआ था और इसी के चलते आश्रय स्थल में करीबन पिछले 15 दिन से उसे रखा गया था। उसकी जांच रिपोर्ट भी भेजी गई थी और जांच जब सैंपल वापस वहां पर जांच होकर आया तो पॉजिटिव पाया गया है। उसी के बाद जो 9 लोग हैं, जो 9 लोग कल देर रात सामने आए हैं पॉजिटिव, वो सब जो मरीज हैं वो उन्हीं के संपर्क में आए थे। जो एक मजदूर पहले पाया गया था उन्हीं के संपर्क में आया था, उसके बाद से ही यहाँ पर हिदायत दी जा रही है जिला प्रशासन के द्वारा तमाम जो और अन्य मजदूर हैं। निश्चित तौर से हेमंत, क्योंकि जिस तरह से जो आंकड़े छत्तीसगढ़ में बढ़े हैं उससे अब ये कहना काफी मुश्किल होगा कि छत्तीसगढ़ को कोरोना से निजात मिल गया है। हालांकि ऐसा लग रहा था कि छत्तीसगढ़ अब कोरोना मुक्त हो जाएगा, क्योंकि एक्टिव केसों की संख्या 4-5 ही रह गई थी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। लोक निर्माण